आज आपको एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब बताऊंगा जिसके की अंदर आप लोगों को 1.5 से 2 हजार रुपए का पर डे का इनकम बनने लग जाएगा। और देखिए, इस काम के अंदर आपको सिर्फ 1 घंटा पर डे अपना देना होगा। और ये एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब है जिसके की अंदर आप दूसरे लोग के लिए काम नहीं करोगे, दूसरों का नौकरबाजी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद का काम करके इनकम को जनरेट कर पाइएगा। और देखिए, इस पार्ट टाइम जॉब को आप अपने एक सिंपल स्मार्टफोन से भी कर सकोगे। सबसे पहले एक बात मैं बता देता हूँ गाइज, मैं कुछ भी फेक चीजें नहीं बताऊंगा, वही चीजें बताऊंगा जो कि मैं आपको इनकम के साथ प्रूफ के साथ सब कुछ मैं आपको दिखा सकूं। तो यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहां पर मैं अपना खुद का इनकम आपके सामने रख देता हूं। यहां पर देख सकते हो कि एक एक दिन के अंदर, यहां पे देख सकते हो इस तारीख को मैंने $32 इनकम जनरेट किया हुआ है, यहां पर देख सकते हो $31। अगर मैं कल का इनकम अपना दिखाऊं तो $24 का मुझे इनकम जनरेट हुआ, उसके एक दिन पहले भी देख सकते हो $24। तो मतलब आप कह सकते हो कि हर दिन मैं इस एक अकाउंट से मैं कितना इनकम जनरेट कर रहा हूं, लगभग 1500 से लेकर के 2000 या फिर उससे थोड़ा बहुत ज्यादा, है ना। एक बात मैं और बता देता हूं गाइस, ये जो अकाउंट है ना, ये सिर्फ एक अकाउंट है, इस तरीके के मुझे मेरे पास दो और अकाउंट है। तो देखिए, इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा इस काम के अंदर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं गाइस, देखिए ये जो एग्जैक्ट जो आपको आज मैं काम दिखाने वाला हूं ना, एग्जैक्टली इस काम को एक बंदा कर रहा है, उसका इनकम बहुत ज्यादा अच्छा हो जा रहा है। उसका पहले इनकम देख लीजिए, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हो, ये एक वेबसाइट है गाइज, पूरा यहां पर देख सकते हो उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ यहां लगाए हुए हैं, पूरा इस वेबसाइट के ऊपर उसका इंटरव्यू छपा हुआ है। ये वेबसाइट का नाम है survivallife.com, ये एक वेबसाइट है survivallife.com। ये हर महीने कितने इनकम जनरेट कर रहा है, यहां पर देख सकते हो $1 million हर महीने। 1 मिलियन का मतलब हो जाता है गाइज कि 7 करोड़ से भी ज्यादा रुपया ये हर महीने का इनकम जनरेट कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर ये बंदा ये काम को करके अगर 7 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है, तो हम लोग क्या 1.5 से 2 हजार रुपए नहीं कमा सकते हैं क्या? बिल्कुल कमा सकते हैं। क्या काम करता है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो गाइज, इसका ये वेबसाइट है, इसका नाम है survivallife.com, ठीक है। ये सर्वाइवल टॉपिक के ऊपर, आप बोलोगे सर्वाइवल टॉपिक क्या होता है? देखो, बहुत लोग जाकर के जंगल में चले जाते हैं, वो फंस जाते हैं, बहुत लोग के एरिया के अंदर बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई घूमने जाता है उसको मंकी अटैक कर देता है, कोई नदी के अंदर जाकर के स्विमिंग करने के लिए जाता है, नहाने के लिए जाता है, क्रोकोडाइल दिख जाता है उसको, केकड़ा दिख जाता है। अब भैया वो किस तरीके से बचे? तो बहुत लोग ना पहले से पढ़ना पसंद करते हैं कि भाई इस तरीके के सिचुएशन में हम लोग घूमने जाएं, अगर फंस जाएं तो हम लोग कैसे बचेंगे। तो यही लोग जो पढ़ने के लिए आते हैं, ये सर्वाइवल टॉपिक के अंदर होता है। ये जो टॉपिक है गाइस, इसके अंदर सर्च बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ऑडियंस है इसको पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, बड़ा मजा आएगा आपको काम करने में। आप देखते जाओ, यहां पर देख सकते हो ये किस तरीके का आर्टिकल को लिख रहा है गाइज, कि फ्लड सर्वाइवल टिप्स, मतलब कि भैया बाढ़ आ गया आपके एरिया में तो किस तरीके से सर्वाइव करना है। आप देखिए इस तरीके के आर्टिकल को किस तरीके से लिख सकते हैं, बड़ा ही आसान होता है, मजा आएगा आपको लिखने में। यहां देखो, ये फ्लड सर्वाइवल टिप है, ये टॉपिक है आज का, ठीक है। यहां अगर नीचे आओगे तो ये क्या किया है, बस 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके अगर नीचे आओगे यहां पर देखोगे, बस पॉइंट बाई पॉइंट दे दिया है। पहले पॉइंट में बताया सर्वाइवल का तरीका में कि भाई फर्स्ट एड का बॉक्स बना लीजिए फ्लड आता है तो। दूसरे पॉइंट में दे दिया है कि ऐसे एरिया में घर मत बनाइए जहां पे फ्लड आता है। उसके बाद तीसरा में ये देखो बोरा टाइप का बता दिया कि अपने गेट पे लगा दीजिए बैरियर टाइप का कि पानी अंदर ना घुसे, ठीक है। उसके अगले पॉइंट में दे दिया है कि टेप लगा दो ताकि सील हो जाए जाके पानी अंदर ना घुसे। क्लाउड वगैरह देखो इस तरीके, इतना आसान तो है यार, मजा आएगा इस तरीके के आर्टिकल को कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर नहीं भी लिख सकते हो ना, मैं आपको उसका भी टिप दे दूंगा, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यहां देखो दूसरा आर्टिकल, देखो हर तरीके का एग्जांपल दे करके समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ अच्छे तरीके से। यहां देखो ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, इसमें बताए हुए कि मंकी अगर अटैक करे, बंदर अटैक करे तो किस तरीके से हम लोग को सर्वाइव करना है। फिर देखो यहां पर बस 1 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसके बाद एक एक टिप में बता दिया है कि डू नॉट रन, दौड़ो मत, भैया दौड़ोगे तो बंदर काट लेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोलता है कि रुकना भी नहीं है आपको, कीप मूविंग, थोड़ा थोड़ा चलते रहिए। उसके बाद बोलता है कि खाना खिलाने के मत जाइए नहीं तो बंदर पकड़ लेगा, जंप इन द वॉटर, पानी में कूद जाओ। यार क्या है, मजा आएगा इस तरीके के आर्टिकल कंप्लीट करने में। ये वेबसाइट ऐसा आसान काम करके सोचो कि 7 करोड़ रुपए महीने का जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है गाइज, कि पहले हम लोग
देखिए टॉपिक हम लोग को चूज करना होता है, और हम लोग टॉपिक अपने मन से नहीं चूज करेंगे। आप बस इस वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ सर्वाइवल स्किल्स जो ऑप्शन होता है इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ढेर सारा आर्टिकल या टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे गाइज, इन्हीं टॉपिक को हम लोग चूज करेंगे। जैसे यहाँ देखो, हाउ टू सर्वाइव इन नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में कैसे सर्वाइव करना है, सर्वाइव इन न्यूक्लियर वॉर, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो हम लोग उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम लोग लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस वेबसाइट को रिजल्ट ला के दिया है, तो हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने चालू कर देंगे। जैसे देखो, आज का हम लोग टॉपिक बनाते हैं फ्लड से कैसे सर्वाइव करना है, उसका 10 टिप मैं दूंगा, ठीक है। ये हम लोग आज का टॉपिक बन गया, पहला हम लोग का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप हम लोग को क्या करना है, अपना एक वेबसाइट तैयार करना है, और थर्ड स्टेप में हम लोग इस वेबसाइट से पैसे कमाएंगे, आसान है। तो देखिए, अब वेबसाइट कैसे बनाना है भैया, वेबसाइट बनाने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक होता है जहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपना जीमेल से एक वेबसाइट तैयार कर सकते हो, वो वेबसाइट है blogger.com, blogger.com के ऊपर आप चले जाओगे, यहाँ पर अपना एक खुद का आप अपना एक साइट स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको जीमेल आपका अगर होगा तो उससे आप यहाँ साइनअप कर लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा, आपका ब्लॉग तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास बजट है, अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, तो वर्डप्रेस का वेबसाइट तैयार कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर नहीं है ना पैसा, कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करो ब्लॉगर के ऊपर स्टार्ट हो जाओ। अगर ब्लॉगर पे स्टार्ट कर रहे हो तो बस न्यू पोस्ट को क्लिक करके अपना आर्टिकल को इसके अंदर डालना है। अगर वर्डप्रेस पे कर रहे हो तो यहाँ पे पोस्ट के अंदर एड न्यू जो बटन होता है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके का पैनल मिल जाएगा, हम लोग आर्टिकल को डालना है। दोनों के अंदर काम मोटा मोटी एक ही होता है, प्रोसेस भी एक ही है, डिफरेंस बस ये है कि इसके अंदर पैसा नहीं लगेगा और वर्डप्रेस में आपको पैसा लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग को आर्टिकल बनाना है, तो देखिए आर्टिकल बनाने का तो बड़ा आसान तरीका मैंने बताया कि वो आर्टिकल जो फ्लड के ऊपर ये जो आर्टिकल डाला हुआ था ना, इसको मैंने तोड़ के समझा दिया था आपको, उस तरीके से सिर्फ पॉइंट आपको लिखते जाना है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को एकदम ही मेहनत नहीं करना है, मैं एकदम कॉपी करना चाहता हूं, तो देखो चोरी तो मैं नहीं सिखाना पसंद करता हूं, लेकिन चलो मैं आपको दिखा देता हूं क्या कर सकते हो आप। एक बहुत अच्छा वेबसाइट है गाइस, smallseotools.com, इसके अंदर जाकर के जो भी आर्टिकल को आप कॉपी किए कहीं से किए हो आप यहां पे लाकर के पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे रीराइट आर्टिकल जो ऑप्शन होता है इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये वेबसाइट क्या करेगा गाइस, ये जो आर्टिकल है ना इसको रीराइट करके फुल्ली आपको दे देगा। और यहां पर देखिए, इस वेबसाइट ने हमारे इस आर्टिकल को रीराइट करके हम लोग को दे दिया, हम लोग यहां इस बटन को क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और अपने वेबसाइट के ऊपर जाकर के इसको बस पब्लिश कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, ठीक है। यहां हम लोग का आर्टिकल तैयार हो चुका है। अब देखिए हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे, ये वेबसाइट कैसे पैसे कमाता है मैं आपको दिखा देता हूं, पूरा रिवील करके रख देता हूं। यहां देखो गाइस, इसके सारे आर्टिकल के अगर अंदर जाओगे ना आप, आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये एक स्टोव बेच रहा है। अब आप बोलोगे यार ये सर्वाइवल नीश के अंदर स्टोव क्यों बेच रहा है, देखो सर्वाइवल नीश के अंदर स्टोव इसलिए सबसे अच्छा बिकता है क्योंकि सर्वाइवल नीश में ज्यादातर वही रीडर्स होते हैं जो लोग कहीं फंसे हुए हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, इस तरीके का वो सर्वाइव करना चाहते हैं, तो वो लोग सर्वाइवल के जो लोग होते हैं ना ये सारे लोग एक साथ में स्टोव कैरी करना पसंद करते हैं, तो इस तरीके का आर्टिकल को पढ़ने वाले जो टूरिस्ट होते हैं वो स्टोव खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये जो स्टोव को बेच रहा है ना, कितने डॉलर का बेच रहा है पता है, $79 का स्टोव को बेच रहा है और मक्खन की तरह बिक रहा है ये स्टोव, बेच बेच के समझो $1 million ये वेबसाइट वाला कमा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी स्टोव बेच सकते हैं। आप लोग बोलोगे हम लोग भैया स्टोव कहां से लेकर आएंगे, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं आप क्या कर सकते हो, अमेज़न एसोसिएट में जाकर के अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा, यहाँ फिर उसके बाद amazon.com के ऊपर आ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ देखो अमेरिका का एक पिन को डाल दीजिएगा ताकि वही सारे आपको प्रोडक्ट दिखेंगे जो कि अमेरिका में सेल हो सके, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ स्टोव लिख करके आउटडोर लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ देखिए एक ये स्टोव है $87 का है, वो 79 का बेच रहा है ना, हम लोग 87 का बेच सकते हैं। यहाँ देखो 74 का है, 149 का है, जो भी स्टोव आपको यहाँ पसंद आता है ना उसको आप बेच सकते हो। जैसे देखो अगर मैं बोलू ना तो ये वाला देखो स्टोव $149 का ये जो स्टोव है ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये 139 ये भी बहुत अच्छा स्टोव है, या फिर $102 का ये भी बहुत अच्छा है, 1000 बिका हुआ है, इसको ले सकते हो। अपने ये जो आर्टिकल है ना उसके अंदर जाकर के इसका जो लिंक है उसको प्लेस करते जा सकते हो। एफिलिएट लिंक कैसे क्लिक क्रिएट करना है, बस यहां गेट लिंक के ऊपर टेक्स्ट को क्लिक करके उस
जो अपना एफिलिएट लिंक उसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर अपने आर्टिकल के अंदर जाकर पेस्ट कर दीजिएगा। और ये जो स्टोव है अपने आपके आर्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा सेल होगा। अब आप बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छा, वेबसाइट तैयार हो गया, आर्टिकल तैयार हो गया, प्रोडक्ट लगा दिए स्टोव का, एकदम कॉपी कर चुके हैं इस तरीके के वेबसाइट को। अब हम लोग इस तरीके के वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से लेकर आएंगे? ट्रैफिक आप लोग ला सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स बताता हूँ, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट से ही मुझे ये देखो ट्रैफिक आ रहा है। और यहाँ देखो जो पिंटरेस्ट से ट्रैफिक आता है गाइस, ये बहुत ही हाई पेइंग ट्रैफिक आता है। देख सकते हो 30,000-36,000 के आसपास का ट्रैफिक आ रहा है और मैं करीबन 40,000-50,000 रुपया हर महीने का इनकम जनरेट कर रहा हूँ इतना कम ट्रैफिक के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हो। पिंटरेस्ट के ऊपर बस आपको आना है और देखो जैसे देखो डॉग अटैक के ऊपर अगर आपको आपने एक आर्टिकल बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके का पिन बना बना करके अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पे डाल सकते हो। अगर कैसे पिन बनाना ये सब जानना है तो मेरे चैनल के ऊपर चलाइए, ढेर सारा मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आई होप आपको आज का ये जो वर्क फ्रॉम होम काम है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जाकर के पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी बताओ कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सौरभ अंकुश साइनिंग ऑफ।